इसको खाने का तरीकेकार ये है कि पहले आपने नान की बनानी है डोई। अच्छा इस तरीके से। अच्छा अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज हमारी शुरुआत जो हुई है वो लाहौर की पुरानी गलियों में हुई है, ठीक है। तो आज हमारा प्लान बना नान चने खाने का। तो ये स्पेशली रिकमेंडेड है, हमारा एक दोस्त है दानियाल, उसने रिकमेंड किया जी। पुराने लाहौर में गोसिया चने नाम का एक बंदा है, बैठता है, बहुत पुराना बैठा हुआ, वो चने लगाता बड़े ज़बरदस्त किस्म के। हम पहले भी एक दफ़ा आए थे मगर अनफॉर्चुनेटली हमें बंद मिला था। तो जी आज हमने फिर ट्राई किया, तो उम्मीद करते हैं कि खुला होगा। अभी हम आपको वहीं पर लेके जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं खुला ही होगा। तो खैर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मरी की जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। हाँ। तो अभी हम लाहौर में आ गए हैं, अभी इधर आपको थोड़ा सा इन्जॉय कराएंगे और आपने फिर आगे तैयार रहना, क्योंकि आगे हमारी सीरीज आ रही है कहाँ की? हुंजा की। हुंजा की, वहाँ पे आपको और मज़े कराएंगे। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह, इस टाइम पे 7 बजे का टाइम है, 7:45 बज रहे हैं। तो सोने भी नहीं दिया इस भाई ने। मैंने सो गौर की फवाद साहब क्या सीन है, आवाज़ से मुझे लग रहा है कि जो है वो भाई मुझे फिल्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर मैंने होने नहीं दी। बहरहाल फिर अब हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं और तो हम जा रहे हैं गोसिया चने। बस आपको मैंने बस एंड में ये बोलने के लिए रखा है, हम जा रहे हैं गोसिया चने। तो आए जी, आपको दिखाते हैं। रश देखें आप, कैसा ज़बरदस्त किस्म का रश है इसमें इस टाइम पे। हम तो पहले राय देखे सरप्राइज हो गए, हमें लग रहा था कि शायद ज़रा दूर पिछली गली तक ना रश आ रहा था इसका, तो हम कह रहे थे पता नहीं किस चीज़ का रश है। तो पीछे से लड़के कह रहे थे कि इस चीज़ का रश है जहाँ पे हम आए हैं, मुझे लग रहा बाकी कुछ चीज़ है। अच्छा एक और बात बताना भूल गया, ये स्पेशली मटन चने हैं, गोसिया मटन चने। गोसिया मटन चने बादामी। बादामी का क्या मतलब है? बादाम डाले चनों के बीच में बादाम। यस बेहतरीन। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सुना है उस तरह से बहुत अच्छे भी होंगे। तो अभी वैसे भी आपको रिव्यू जो है इस चीज़ का मिलेगा एक सेकंड के अंदर ही। तो आप फाइनली हमें पता चल गया है कि अगर आप इधर आते हैं मटन चने खाने हैं तो इधर फाइनली ऑर्डर देने का प्रोसीजर क्या है। आपने रामपुर से आके अंदर बैठ जाना और आपने दुआ मांगनी है कि वो बंदा है। दरअसल पहले ना हम बाहर ऑर्डर दे रहे थे, तो 15 मिनट हम बाहर खड़े रहे हैं, तो हम बस देख रहे हैं। मैं हर बंदे को ना, मैं उधर जो बंदा ऑर्डर ले रहा था ना, मैं उसके बाहर खड़े हो गया क्या कह रहा था दे दो मेरे भाई कुछ, भाई उन्होंने इसको कुछ नहीं समझा। अल्लाह की कसम जहाँ पे चने लगे हैं ना उसके बिल्कुल साथ ना एक दरवाजा है, तो ऐसा लगता है कि वो उनके घर को जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अंदर ही छोटा सा एक सेटअप किया हुआ सीटिंग का, अंदर आके बैठे हैं आप स्कूल से, ठीक है। तो 2-3 लड़के उन्होंने रखे हैं ऑर्डर लेने के लिए। बाहर अगर आप जाएंगे, बाहर आपको नहीं देंगे, तो अंदर आपको ये जो है ना ऑर्डर दे रहे हैं। और अब ये एक लड़के को हमने एक ऑर्डर दिया है, तो हमने कराया 2 अंडा चने साथ में 4 नान। तो अब इंतज़ार है, बस इंतज़ार के साथ साथ हमारी दुआ है और बस इंतज़ार ही हो रहा है। बस इतना आपने ऑर्डर देने वाले को कहना है अल्लाह की कसम में मंगन वाला जी खाना ला। तो जी ये देखें, देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी का ड्राइंग रूम है, लेकिन ये है नहीं। हर कोई अपने मौज में बैठा हुआ है, हर कोई खा रहा है, कोई बेचारा दुआ कर रहा है, कोई हमारी तरह इंतजार कर रहा है। तो हर कोई जो है वो मतलब कि इधर बैठे ना, ये जगह है बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अंदर आगे आपने बैठ जाना है, एक गहरा सा क्यूट सा लड़का आगे जो आपसे पूछेगा जी भाई व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अपनी अपनी क्या कहते हैं साबे तो फी के लिहाज से हर कोई अपनी अपनी मौजों में लगा बस ये देख है ना। हाँ फैमिली को लाने वाला हाल नहीं है। हाँ फैमिली नहीं, आप देख ही सकते हैं कि इधर क्या हालात है। आप इधर बंदे बंदे ही आ सकते हैं, वो भी आपको गाड़ी जो है ना पीछे पार करनी पड़ेगी, पैदल आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा। स्पेशल गोसिया मटन बनाएंगे
ये बादाम दिखा इनको, बादाम पे फोकस करना, इनको पता चले भाई स्पेशल अमेरिकन गिरी है ये। साथ एक मिर्च है, ठंडे ठंडे लग गया, नान आए नहीं, जब नान आने तब ये ठंडे हो जाने हैं। देखने में तो इतना ही मजेदार लग रहे हैं, देखने में मजेदार लग रहे हैं। तो ये करते हैं कि खाने में भी बहुत मजेदार होगा इंशाल्लाह। इंतजार है भाई मेरे, क्या कर सकते हैं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जैसा आपको लग रहा है। मतलब कि यार देखो, जब अच्छी चीज आपकी नसीब में होती है ना, अल्लाह ताला ने लिखी होती है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। तो ये हमारे आ गए हैं बटन चले बादामी, इधर इधर हो। तो इसको खाने का तरीकेकार ये है कि पहले आपने नान की बनानी है डोई, अच्छा इस तरीके से, अच्छा उसके बाद आपने नीचे से चने ऊपर करने हैं और फिर चनों में ऐसे डुबकी दे के, अच्छा तीन चनों से नीचे तो चने आए तो आप पे फतवा लग गया, अच्छा फिर आपने इसको डालना है। ओह जो यखनी है ना जबरदस्त, वो मजा देगी, मजा दिया है, पास हो गया, दोस्त की रिकमेंडेशन ओके है, बिल्कुल रिकमेंडेड है, दुआएं दे दी जाए उसको। इधर आए बस, कल ही आए, फैमिली के साथ ना आए, हाँ दो ही बना के खाएं, अच्छा मजा आएगा। तो जी हमने खा भी लिया, अब हम चलते हैं रफी साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात। सवाल के तो आपने रिव्यूज वगैरह ले लिए, तो मेरे भी बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, वो इस वजह से क्योंकि वाकई में जो चने थे वो बहुत मजे के थे। और आप डिफरेंट करा सकते हैं, अगर आपने सिर्फ चने लेने हैं आप चने कराएं, अगर आपने क्योंकि वो मूर्ख चने नहीं थे, मटन चने थे, तो अगर आपने मटन की बोटी के साथ आपने लेने हैं तो आप वो कराएं। और एक और मज़ेदार चीज़ है, इसमें बादाम उन्होंने डाले होते हैं चनों में ना, वो एक अलग टेस्ट देता है, बहुत मज़े का था, मुझे बहुत मज़ा आया है। तो अगर आप उसमें मटन की बोटी नहीं भी कराएंगे ना, तो जब आप उसका टेस्ट करते हैं ना, तो बेसिकली मेरे ख्याल से वो जो एक होता है ना उसका यखनी का टेस्ट, हाँ यखनी का, जैसे मटन की यखनी होती है, तो क्योंकि बना तो मटन में ही है, तो उसका जब टेस्ट आता है तो वो प्रॉपर है, वही मटन वाला टेस्ट आता है। और दूसरा ये भी है कि जो मटन के पीस डाले हुए हैं वो निहारी वाले पीस थे, क्योंकि मैं तो एज अ कसाई बड़े आपको तरीके से बता सकता हूँ कि उसमें जो पीस थे रवि साहब, वो होते हैं मछली के पीस, अच्छा जिनको गलाने में भी टाइम लगता है और जिनके रेशे भी बड़े मज़ेदार बनते हैं, अच्छा तो इस लिहाज से भी जो है ना वो टेस्ट बड़ा अच्छा था। हाँ तो लिहाजा क्योंकि हम लोग जो है वो कुछ अमेरिकन टाइम जोन के हैं, तो अगर आप पूरी रात जाग के और अगर इधर जाते हैं तो आपकी रात को जागना भी हलाल है और इतना सफ़र करके यहाँ पे आना वो भी हलाल है। मतलब कि अगर आप कहें कि हिडन जेम्स इन टर्म्स ऑफ नाश्ता, तो जेन्युइनली बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई करें जो नान चनों के शौकीन, वो सिया मटन एंड चने। अच्छा जी, इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, आपने इन्जॉय किया हमारे साथ नान चनों को, लाहौर की पुरानी गलियों को, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साहब आपको मज़ा आया? बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया। कितना मज़ा आया? मैंने इतना मज़ा आया कि मैंने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया। तो बस ठीक है, आपने भी बिल्कुल फवाद की तरह बनना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाने से पहले आप लोग ये बताते जाएँ, थोड़ा सा रिकमेंडेशन दें, सजेशन दें, कमेंट्स में लिखे बताएं कि और हम कौन सी जो है एक्सप्लोर करें, कोई ऐसे कोई हिडन जेम्स हैं अगर कोई इस तरह से। आप लोग बेशक जाहिर सी बात है हम लोगों से बेहतर जानते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो हम ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को, आप लोग भी जानते होंगे। आप बताएं, आप वहाँ पर जाकर हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, ये वैसे बात बिल्कुल सही है। तो आप बताएँ तो हम इंशाल्लाह ताला उसको भी वन बाई वन जाके एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी मिलते हैं इसी के साथ इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। यार आप लोगों ने हमसे पूछा तो है नहीं कि हम जहाँ पे गोसिया चने खा के आए वो है किधर, ना मैंने आपको बताया है। तो अच्छा यार, आप लोग जाओगे ना जब ओल्ड लाहौर जाओगे, आप लोगों ने गुजरना है जो बादशाह मस्जिद की बैक है, वहाँ से आपने सीधा स्ट्रेट जाना, तो आपने राइट होना, कौन सा राइट होना किसी से भी पूछ लेना, ताजमहल हलवा पूड़ी वाला, ठीक है। तो वहाँ से आपने वो वाला राइट लेना, एंड पे आपने बिल्कुल उस रोड के चले जाना, आपको नज़र आएगा फज्जा पाए वाला, ठीक है। फज्जा पाए वाले से आपने होना लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट जब जाओगे ना तो किसी से भी आपने रस्ते में पूछना कि यार तो जेदे वाली गली जो है वहाँ पे मतलब कि वो किस साइड पे करके आ, तो आपने उसकी गली में जाना, थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको पहला स्पीड ब्रेकर मिलेगा, स्पीड ब्रेकर के साथ आप लोगों ने गाड़ी पार्क करनी है, जिस पे भी गए आप लोगों ने वहाँ पे बाइक शाइक गाड़ी शाड़ी पार्क कर लो वहाँ पे, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आगे जाओगे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएगा पान शॉप वाला, किसी से भी पूछ लो यार गोसिया चने वाला किधर है, वो आपको बता देगा, क्योंकि उसे बिल्कुल 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो गोसिया चने वाला आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहुँच जाएंगे और रास्ता मैंने जो आपको गाइड किया वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, आप इजाज़त दें।